सुमेंद्र मौर्य चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती रहे। दोस्तों, आप कैसे अपने मोबाइल को अपने LED स्मार्ट TV से कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही आप कैसे अपने गेम, मूवी, वीडियो, फोटोज़ को एंजॉय कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे आप जो भी आप फाइलें रखते हैं उसको भी आप LED TV पर देख सकते हैं। साथ ही आप अगर गेम के शौकीन हैं तो आप गेम को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और आपको क्या करना है, इसके लिए किसी भी एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत नहीं होगी, मैं इसे आपको विदाउट एप्लीकेशन के डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपके मोबाइल में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप इसके लिए मीरा कास्ट या स्क्रीन मिरर जैसी एप्लीकेशन को गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने मोबाइल को LED TV से कनेक्ट करने के लिए किसी भी डाटा केबल या USB केबल की कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको सेम वाईफाई नेटवर्क की जरूरत होगी। फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको एप्लीकेशन के साथ भी कैसे कनेक्ट करेंगे ये भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सब आपको डिटेल से बताने वाला हूं, और आप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको अपने टीवी का रिमोट लेना है, और टीवी के रिमोट में आपको यहाँ पर इनपुट डिवाइस का बटन दबाना है। अगर आपके यहाँ पर इनपुट डिवाइस का बटन नहीं है तो आप डायरेक्टली सेटिंग में जाकर आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं टीवी में दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो जैसे कि दोस्तों, मैं अपने LED TV की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, और आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया आपको होम स्क्रीन का बटन दबाना है, और होम स्क्रीन का जब बटन दबाएंगे तो आपको ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि इनपुट का बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं अपने LED TV में, तो आपको क्या करना है, आपको होम बटन फिर से दबाना है। जब आप होम बटन दबा देंगे अपने LED TV में, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट की तरफ स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते हुए आगे आ जाना है। तो यहाँ पर स्क्रॉल जब करेंगे तो आपको यहाँ पर जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आती है, यहाँ पर भी आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको स्क्रीन शेयर के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है, और मैं यहीं से जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर अब आपको मोबाइल में क्या करता है, चलिए हम मोबाइल की डिस्प्ले पर चलते हैं। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। तो जैसे कि मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में चला जा रहा हूँ, और आपको सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक वाईफाई डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपको खोल लेना है। और इसको जब आप चले जाएंगे, यहाँ पर वाईफाई डिस्प्ले का ऑप्शन एक आपको दिखाई देगा, तो इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पर, आपको इस पर इसे ऑन करना है, और इसके बाद आपको मेन वाईफाई जो कनेक्शन है आपका उसे ऑन कर लेना है। तो इसके बाद इसके बाद आपको बैक आना है, फिर से आपको वाईफाई डिस्प्ले पर क्लिक करना है, और इस तरह से यहाँ पर डिवाइस लिस्ट आएगी। यहाँ पर आपको अपनी LED TV का नाम, जो भी आपका स्मार्ट TV है उसका नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और आपको इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आप दिखाता हूँ आपको टीवी पर किस तरह से स्मार्ट LED TV का नाम है दिख जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको LED TV में कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर आपकी डिवाइस का नाम दिखाएगा, और यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा, और उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना है अपने फ़ोन में। अगर आप यहाँ पर कोई वीडियोज़ वगैरह चलाना चाहते हैं तो आपको उस पर चले जाना है, और इस तरह से यहाँ पर आपका कोई MX प्लेयर वगैरह यूज़ करते हैं तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक वीडियो ओपन कर लेना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो ओपन कर लिया, देख रहे हैं कि वीडियो कुछ इस तरह से चला। तो आप इस तरह से कोई भी वीडियो चला सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही आप अगर गेम खेलना चाहते हैं तो आप गेम किस तरह से खेल सकते हैं वो भी आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा। बैक आना है, आपको यहाँ पर कोई भी एक गेम खोल लेना है जो भी आप गेम खेलना चाहते हैं, और उसे ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको गेम को चालू कर लेना है, और गेम को चालू जब आप कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से आप गेम भी खेल सकते हैं, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, इसे मोबाइल के जरिए ही खेल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि मुझे गेम दिखा रहा हूँ आपको इसी तरह से गेम खेल लेना है। यहाँ पर आप कोई भी गेम चाहें वो उसे खेल सकते हैं। तो साथ ही आपको गेम इस तरह से खेल सकते हैं। अगर फ़ोटो देखना चाहते हैं तो आप फ़ोटो भी देख सकते हैं। फ़ोटो के लिए आपको अपने मोबाइल की गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ोटो मिल जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ, तो इस तरह से आप फ़ोटो स्क्रॉल करके कुछ भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्रेंड, आपका मोबाइल डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा है LED TV से, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी। जैसे कि यहाँ पर मीरा कास्ट एप्लीकेशन आपको दिख रही है नीचे की तरफ ब्लू कलर में, तो इसी को ही आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, नहीं मिलती तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जैसे कि मैंने बताया।
और आपको यहाँ पर इसे कनेक्ट करने के लिए पहले आपको अपने एलईडी टीवी से अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर वाईफाई यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आप वाईफाई डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा एलईडी टीवी में। इसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पर मेरा कास्ट आपको दिख रही है जो एप्लीकेशन, तो इसे ओपन कर लेना है। करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आपको डिवाइस को ओपन करना है और यहाँ पर भी वाईफाई डिस्प्ले का ऑप्शन मांगेगा। तो आपको यहाँ पर वाईफाई डिस्प्ले का ऑप्शन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह दिख जाएगा और यहाँ पर आपको स्मार्ट एलईडी टीवी का अपना नाम दिख जाएगा और उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सामने स्मार्ट टीवी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपने डिवाइस का नाम दिख जाएगा और यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस होगा और आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको दिख रहा है सामने कनेक्ट हो गया है। तो इस तरह से ही आप एप्लीकेशन से भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कोई गेम वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो इसी एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर मेरा कास्ट आपको दिख रही है जो एप्लीकेशन, तो इसे ओपन कर लेना है। साथ ही आप कोई गेम खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन से भी आप कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं, वीडियो गेम वगैरह। तो यहाँ पर जैसे मैंने गेम पर क्लिक किया और यहाँ पर देख रहे हैं आप गेम ओपन हो चुका है। तो ऐसे ही आप कोई भी यहाँ पर गेम वगैरह ओपन कर सकते हैं और खेल सकते हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू जैन।